अपराधों के बीच भ्रम फैला रहा है। हम सब लोगों को सजग रहना है और हम सब लोगों को ये बताना है नौजवानों को कि बिहार में रोजगार सृजन की दिशा में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम किया 15 साल में, 15 साल का काम कार्यकाल एक तरफ रख दीजिए और आजादी के बाद से 2005 तक का कार्यकाल एक तरफ रख दीजिए, नीतीश कुमार जी का 15 भाई रहेगा। नीतीश कुमार जी नौजवानों को भी देना है और नौजवानों को भी आकर्षित करना है, उनको बताना है और जब पुराने लोग अनुभवी लोग सक्रिय होंगे और नौजवानों को सक्रिय करेंगे, उनके गार्जियन में उनके देख रेख में अगर नौजवान सक्रिय होंगे तो बहुत ही नौजवान जो पार्टी के साथ जुड़ेंगे जो समर्थित कार्यकर्ता के साथ तैयार होंगे। इसलिए आज इस अवसर पर हम आपको साथ नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, नरेश कुमार के साथ। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा, उन्होंने जो नौवीं फेल है वो भी मुझे से रोजगार मांगता है। क्या वो अपने माता पिता के कार्यकाल में देख सकते हैं कितने लोग रोजगार थे, कितने रोज बेरोजगार थे? क्या कुछ कहते हैं ललन सिंह, ये सुनिए। जिनके राज में मात्र 53,000 बहाली शिक्षकों की बात कर रहे हैं, 15 साल तक मुख्यमंत्री के राज किया और नीतीश कुमार जी ने शिक्षक की बहाली कब तक की? तीन लाख 49, कहां 53,000 और कहां 3,49,000। कितनी बड़ी संख्या में सिपाही के की बहाली हुई है, नियुक्ति हुई है, अभी सबका डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। 4 दिन के बाद हम एक एक डाटा को सार्वजनिक करेंगे। कितनी बड़ी संख्या में दरोगा की बहाली हुई, इंस्पेक्टर की बहाली हुई। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब बिहार की सत्ता संभाली थी 2005 में, तो एवरेज औसत जो बिहार पुलिस का उम्र था वो 45 साल। आप बताइए 45 साल का और एवरेज औसत उम्र था तो कितना साल से बहाली नहीं हुआ। और उन सबों के पास किसी को कोई ट्रेनिंग नहीं थी, इसलिए कि बिहार में अपहरण का उद्योग चलता था। पुलिस के पास जो था वो पुरनका 303 वाला जो राइफल था वही लेकर घट फुट कहाँ कोने पहुंच जाएगा मत नहीं चलता, किसी को ट्रेनिंग ही नहीं था। आई जितना आधुनिक हथियार है वो सब गोदाम में पड़ा हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि अगर बिहार में कानून का राज स्थापित करना है तो हमारे नौजवानों को, हमारी जो पुलिस फोर्स है उसको सड़क पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि अपराधियों के पास आधुनिक हथियार है और हमारे पुलिस फोर्स के पास पुरनका 303। जब तक वो बट सीधा करेगा तब तक AK-47 से 40 गोली बहुत पसंद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साथ स्पेशल ऑर्डिनरी पुलिस की बहाली की, जो पुराने सेना के जो लोग रिटायर्ड थे शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले, उन सभी लोगों को बहाल किया कॉन्ट्रैक्ट पर और सबको आधुनिक हथियार देके सड़क पर जब उतारा तो सारे अपराधी भीड़ में घूम गए और बिहार में कानून करा दिया। इसके बात करेंगे हम लोग का उद्योग चलाने वाले लोग, ये बात कर रहे हैं, ये शिक्षा देते हैं उस व्यक्ति को, शिक्षा देते हैं जिसका एक विजन है, जिसकी एक सोच है, जिसको राज्य चलाने का एक अनुभव है और जिसने बिहार में परिवर्तन जो किया है वो विश्व में एक इतिहास है, विश्व में एक इतिहास है। आने वाले समय में नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल है वो स्वर्ण अक्षर में बिहार के इतिहास में लिखा जाएगा, स्वर्ण अक्षर में। शिक्षा देते महज 29 वर्ष की उम्र में 49 बार रक्तदान कर न जाने कितनों के शरीर में अमर रहने वाले पत्रकार और समाज सेवी रक्तवीर स्वर्गीय जैनेन्द्र ज्योति को श्रद्धांजलि देने का मौका है।
22 सितंबर 2021 को पटना के बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सभागार में स्वर्गीय जनेंद्र ज्योति जी की पहली पुण्यतिथि के दिन रक्तदान, स्वास्थ्य जांच, कोरोना जांच और दवा वितरण का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में शामिल होकर रक्तदान जरूर करें। आप किसी भी जानकारी के लिए इन मोबाइल नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। उन सभी साथियों को भी सक्रिय करना और उसके साथ साथ नए नौजवानों को भी पार्टी के साथ जोड़ना, इसलिए कि आने वाला भविष्य नौजवानों का। और आज से अगर नौजवान नहीं जुटेंगे तो पार्टी का नेतृत्व जो आज के नौजवान है कल वो पार्टी का नेतृत्व संभालेंगे। इसलिए नौजवानों को आप पुराने लोगों को सक्रिय करके नौजवानों को अगर जोड़ना है तो उसमें सामंजस्य हो। सामंजस्य ऐसे होगा कि पुराने साथियों का अनुभव, उस अनुभव का लाभ लें। नए साथी जो नौजवान पार्टी के साथ जुड़ेंगे उनमें समर्पण का भाव हो, नेता के प्रति समर्पण, जनता दल यूनाइटेड के प्रति समर्पण, कोई मत रहे मेरे प्रति समर्पित, कोई मत रहे नहीं रहे अशोक चौधरी जी के प्रति समर्पित, कोई नहीं रहे संजय धार जी के प्रति समर्पित, कोई नहीं रहे उमेश कुशवाहा जी के प्रति समर्पित, लेकिन पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता अगर जनता दल यूनाइटेड के प्रति समर्पित है तो पार्टी में हम सबों के प्रति समर्पित है। और नेता के प्रति अगर समर्पित है तो हम सबों के प्रति समर्पित है, क्योंकि हम सब लोग नेता को ताकत देने के लिए, नेता को मजबूत करने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, इसलिए काम में लगना। अब नौजवानों के सामने कई तरह की चर्चा होती है, अगर आज को वीर बंका यहाँ है नवा पास है, हम नाम किसी का नहीं ले रहे, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, नवा पास है। अब नवा पास आदमी भी रोजगार निकालता था, अब आप बताइए जो मैट्रिक में पास नहीं किया, नौवे तक स्कूल में गया, उसको क्या रोजगार का मालूम है कि रोजगार क्या होगा। नीतीश कुमार की सरकार ने 2015 से लेकर 15 साल में जो रोजगार दिया है उससे मिल गया है, जब 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के सत्ता संभाला था, संभाले थे, और हम उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे। बिहार लोक सेवा आयोग का परीक्षा पिछले 5 वर्षों में कभी नहीं हुआ था, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 500 साल की जो रिक्ति थी उसको एक साथ जोड़कर बिहार लोक सेवा आयोग, और प्रतिदिन अब तो रेगुलर प्रत्येक वर्ष लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो रही है। हेलो, कितनी बड़ी संख्या में महज 29 वर्ष की उम्र में 49वां रक्तदान कर न जाने कितनों के शरीर में अमर रहने वाले पत्रकार और समाज सेवी रक्तवीर स्वर्गीय जैनेन्द्र ज्योति को श्रद्धांजलि देने का मौका है। 22 सितंबर 2021 को पटना के बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सभागार में स्वर्गीय जैनेन्द्र ज्योति जी की पहली पुण्यतिथि के दिन रक्तदान, स्वास्थ्य जांच, कोरोना जांच और दवा वितरण का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में शामिल होकर रक्तदान जरूर करें। आप किसी भी जानकारी के लिए इन मोबाइल नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नौजवानों के बीच भ्रम फैला रहा, हम सब लोगों को सजग रहना है और हम सब लोगों को ये बताना है नौजवानों को कि बिहार में रोजगार सृजन की दिशा में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम किया 15 साल में, 15 साल का काम कार्यकाल एक तरफ रख दीजिए और आजादी के बाद से 2005 तक का कार्यकाल एक तरफ रख दीजिए, नीतीश कुमार जी का 15 भाई रहेगा। नीतीश कुमार जी हम सबों को पार्टी को सक्रिय करना है, नौजवानों को भी देना है और नौजवानों को भी आकर्षित करना है, उनको बताना है। और जब पुराने लोग अनुभवी लोग सक्रिय होंगे और नौजवानों को सक्रिय करेंगे, उनके गार्जियनशिप में उनके देख रेख में अगर नौजवान सक्रिय होंगे तो वह भी नौजवान जो पार्टी के साथ जुड़ेंगे जो समर्पित कार्यकर्ता के साथ तैयार होंगे, इसलिए आज इस अवसर पर हम आप सभी साथियों को याद रखें।
आप इस काम को जाइए, इस काम को आगे बढ़ाने का काम करिए और पार्टी को संगठित करके समर्पित कार्यकर्ताओं का और तैयार करिए जो जनता दल यूनाइटेड के प्रति समर्पित है। यही आग्रह और अपील करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आप सभी साथियों को रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।